नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण सहरावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पोस्ट इन्फो एंड फन पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम लोग कैसे जो पासबुक प्रिंट करते हैं उसकी लाइन और पेज को कैसे चेंज कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, आपने देखा होगा जब आप कभी भी पासबुक को प्रिंट करते हैं तो किसी पेज की शुरू की दो चार लाइनें प्रिंट हो जाती हैं और नीचे का पूरा पेज जो है वो एम्प्टी रहता है। और उसके बाद जब आप पेज पे प्रिंट करने के लिए दोबारा HPVP मेन्यू में पासबुक वो डालते हो तो वहाँ पे वो शुरू से एक नंबर लाइन से शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार आप वहाँ से नेक्स्ट पेज में शुरू कर देते हो प्रिंट करना तो जो प्रीवियस पेज था वो सारे के सारा नीचे जो है वो एम्प्टी रह जाता है। इस वजह से पासबुक जो है वो जल्दी जल्दी यूज्ड अप हो जाती है। इससे जो है डिपार्टमेंट का रिवेन्यू भी लॉस होता है उससे। तो हम लोग कैसे उसको पासबुक को दोबारा से वहाँ उस पेज से शुरू कर सकते हैं और वो जो लाइन होती है उस लाइन से नीचे से कैसे शुरू कर सकते हैं तो वो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, पासबुक को कैसे हम लोग रीसेट करते हैं, हम किसी भी डेट से कैसे उसको जो है प्रिंट कर सकते हैं, वो देखने के लिए अभी आपकी स्क्रीन पर लिंक आ जाएगा, उस वीडियो पर जाके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, पासबुक को प्रिंट करने के लिए आपको मेन्यू शॉर्टकट में HPBP टाइप करना पड़ेगा। HPBP ये मेन्यू शॉर्टकट में टाइप करेंगे, उसके बाद गो पे क्लिक करना है। चाहे तो आप एंटर भी प्रेस कर सकते हैं। तो जैसे ही आप HPBP टाइप करके गो करेंगे तो आपके सामने पासबुक प्रिंट की स्क्रीन आ जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे पासबुक प्रिंट के सामने यहाँ पे अकाउंट आईडी दिखेगा। तो ये अकाउंट आईडी में आपको जिस भी अकाउंट की पासबुक प्रिंट करनी है वो यहाँ पे टाइप कर लेना है, चाहे वो सेविंग्स, MIS, PPF या SSC कोई भी अकाउंट हो। तो जब आप टैब प्रेस करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी लाइन पिछली प्रिंट हो चुकी होगी या पेज प्रिंट हो चुका होगा उससे नेक्स्ट पेज और प्रिंट की लाइन आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो देखिए, यहाँ पर अभी लाइन नंबर 1 है, अभी आपको प्रिंट करके दिखा देते हैं। देखिए, जो प्रिंट है ना वो लाइन नंबर 1 से अब शुरू हो रहा है। तो मान लीजिए अभी जो पेज नंबर 2 है उस पर पहले से ही जो है 6-7 लाइनें पहले प्रिंट हो चुकी हैं, तो आपको जो है 8वीं लाइन से प्रिंट चाहिए। तो स्टार्ट लाइन नंबर को आपको यहाँ से 1 को रिमूव कर देना है बैकस्पेस से और यहाँ पे वो नंबर सेलेक्ट कर लेना है जिस भी नंबर से आपको लाइन से पेज को प्रिंट चाहिए। तो आप उसके बाद यहाँ पे वो लिखने के बाद मॉडिफाई रहेगा, मॉडिफाई पे क्लिक कर देना है और उसके बाद प्रिंट पे क्लिक करना है। देखिए, जब प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये 8वीं लाइन से शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे अगर आपको चाहिए प्रिंट सही है तो आप यहाँ पे यस करके प्रिंट दे सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे और मॉडिफाई करना है तो वहाँ पे प्रिंट ओके नो पे क्लिक करें और दोबारा से है लाइन और जो पेज आपको चेंज करना है दोबारा से आप मॉडिफाई कर सकते हैं और उसके बाद प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने के बाद जब आप यस करेंगे तो वो पेज प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद जो है नेक्स्ट पेज प्रिंट करने के लिए आपको ओके बटन पे क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद जो है आपकी सारी पासबुक प्रिंट हो जाएगी। तो इस प्रकार दोस्तों, आप जो भी चाहें जिस भी लाइन से आप चेंज करके वहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस प्रकार से आप ये जो अपनी लाइन जो होती हैं पासबुक की उसको चेंज करके प्रिंट कर सकते हैं नीचे पेज पे। इससे जो है नेक्स्ट पेज पे आपको जाके फ्रेश प्रिंट नहीं लेना पड़ेगा, पासबुक जो है वो रेवेन्यू भी बचेगा, हमारा पासबुक भी बचेगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।